दोस्तों दक्षिण भारतीय फिल्मों को देश के कोने कोने में पसंद किया जाता है। इन फिल्मों की कहानी से लेकर एक्शन तक को काफी उत्साह के साथ देखा जाता है। हिंदी पट्टी में साउथ की फिल्में का लंबे समय से बोलाबाल रहा है। अब तक कई ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने हिंदी भाषा राज्यों में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल चुका है। ऐसे में आज हम आपके साउथ की कुछ ऐसी आगामी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका इंतजार हिंदी बेल्ट में लंबे समय से किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इन फिल्मों को हिंदी वर्जन टिकट खिड़की पर जमकर कमाई करेगी। फिल्म लियो में दलापति विजय लीड रोल में है। इनका निर्देशक लोकेश कनगराज ने किया है। इससे पहले लोकेश कमल हसन के साथ विक्रम बना चुके हैं। हिंदी पट्टी में यह फिल्म काफी पसंद की गई थी। हिंदी भाषा राज्यों में विक्रम के भी अच्छा फैन फॉलोइंग है। यही वजह है कि लियो का भी इंतजार दर्शकों को बेसब्री से है। नंबर टू पे आते हैं सलार। सुपरस्टार प्रभास की फैन फॉलोइंग पूरे देश में है। उनकी फिल्मों का लोगों को खूब इंतजार रहता है। अभिनेता जल्द ही सलार में नजर आने वाले हैं। फिल्म का निर्देशक प्रशांत नील ने किया है। उनकी पिछली फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी पट्टी में 425 करोड़ से अधिक का कारोबार किया था। यही वजह है कि माना जा रहा है कि इस फिल्म का भी हिंदी वर्जन कमाई के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को हाल ही में बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इस फिल्म को हिंदी दर्शक ने भी खूब पसंद किया था। हिंदी भाषा में यह फिल्म 100 करोड़ से अधिक का कारोबार करने में सफल रही थी। लोगों को इनके दूसरे भाषा का लंबे समय से इंतजार है। माना जा रहा है पुष्पा दारू रिलीज के बाद अपना पिछला रिकॉर्ड हिंदी पट्टी में आसानी से तोड़ देगी। और चौथे नंबर पर आते हैं कल्कि 2898। इस लिस्ट में प्रभास की एक और फिल्म शामिल है जिसका जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। इस फिल्म का नाम कल्कि 2898 है। फिल्म में प्रभास के अलावा दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हसन जैसे सितारों ने भी काम किया है। रिलीज के बाद इस पैन इंडिया फिल्म को हिंदी भाषी क्षेत्र में शानदार रिस्पॉन्स मिल सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।